नमस्कार आदाब सत श्री अकाल क्या हाल चाल मैं अरुण चौरसिया। एक और बड़ी खबर सिद्धार्थनगर जिले से आ रही है। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर जिले की 5 सीटों पर नामांकन प्रक्रिया खत्म होने के बाद प्रत्याशियों ने गांव-गांव घर-घर जाकर अपने पक्ष में माहौल बनाना शुरू कर दिया। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र से जनता दल यूनाइटेड पार्टी के प्रत्याशी पवन पटेल भी चुनावी सरगर्मी में पूरी तरह कूद गए। डुमरियागंज विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांव में जनता दल यूनाइटेड नेता वोट मांगते घर घर लोगों से मिलते देखे जा रहे हैं। आइए देखते हैं आमीन फारूकी की क्या है खास रिपोर्ट। हम यहाँ पे कई बार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए टिकट मांगने का कई बार प्रयास किया, लेकिन वहाँ पिछड़े होने नाते मुझे मौका नहीं मिला। पार्टी के पक्ष में बराबर काम करता रहा, मुझे 22वीं भी टिकट नहीं मिला, 17वीं भी टिकट नहीं मिला। मेरा इतना पिछड़ा समाज डुमरियागंज में 70-75 सालों से आज ये समाज ठोकरे खा रहा है। ना इनका कोई शिक्षा की व्यवस्था है, ना कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था है, ना यहाँ कोई रोजगार की व्यवस्था है। यहाँ समाज पिछड़ा समाज के बच्चे छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे बॉम्बे चले जाते हैं दो पैसे कमाने के लिए, जो कमाते तो यहाँ के खाते हैं। इस व्यवस्था दुर्व्यवस्था कौन जिम्मेदार है? कई सरकारें आई, कई लोग आए, कई विधायक एमपी बने, लेकिन आज तक यहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ। क्या मुद्दे हैं आपके चुनाव में सर? मेरा मुद्दा सिर्फ यही है कि नीतीश कुमार जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री बिहार हमारे जनता यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं और उन्होंने बिहार का बदलाव किया है, लोगों ने देखा है और लोग देख भी रहे हैं। हम भी उसी हिसाब से अपने डुमरियागंज में अगर मैं विधायक बना तो यहाँ व्यवस्था परिवर्तन करूंगा, पिछड़ों को लेकर समस्याओं को, किसानों की समस्याओं को और शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार के लिए यहाँ मैं प्रयास करूंगा कि यहाँ बदलाव हो। देखिए हिंदू अगर हम हैं तो फिर आरक्षण श्रेणी क्यों आते हैं? हिंदू अगर हम लोग हैं तो आरक्षण श्रेणी क्यों आते हैं? उसमें वहाँ पे ओबीसी कोटा भरा जाता है, एससी कोटा भरा जाता है। हिंदू तो एक कोटा होना चाहिए, बराबर कोटा होना चाहिए। ये तो कोई लड़ाई बना रखी 75 साल में यहाँ के वोट लेकर हिंदू मुसलमान के नाम पर हिंदुओं के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जा छला जा रहा है और कोई विकास नहीं हो पा रहा, किसी तरह की कोई विकास नहीं। आप देख लिया हाल घूम के, आप लोग देख भी रहे हो क्या स्थिति, गांव रोड सड़क नाली गंगा क्या स्थिति है, क्या विद्यालय क्या व्यवस्था है, आप लोग खुद देख रहे हैं। मेरी एक इच्छा के लिए एक बार मुझे मौका मिला तो मैं बदलाव जरूर करके दिखाऊंगा।